मेरे प्यारे देशवासियों, 31 अक्टूबर 2018 का दिन, जिस दिन सरदार साहब की याद में बना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश और दुनिया को समर्पित किया गया था। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचाई में डबल है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देती है। हर हिंदुस्तानी का सिर शान से ऊंचा उठ जाता है। आपको खुशी होगी, एक वर्ष में 26 लाख से अधिक पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए पहुंचे। इसका मतलब हुआ कि प्रतिदिन औसतन 8,500 लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता का दर्शन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति उनके हृदय में जो आस्था है, श्रद्धा है, उसको प्रकट किया। और अब तो वहां कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, जंगल सफारी, चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क, एकता नर्सरी, ऐसे अनेक आकर्षण के केंद्र लगातार विकसित होते चले जा रहे हैं। और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है और लोगों को रोजगार के नए नए अवसर भी मिल रहे हैं। और आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई गांव वाले अपने अपने घरों में होम स्टे की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। होम स्टे फैसिलिटीज उपलब्ध कराने वाले लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहां के लोगों ने अब ड्रैगन फ्रूट की खेती भी शुरू कर दी है और मुझे यकीन है कि जल्द ही यह वहां के लोगों की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत भी बन जाएगा। साथियों, देश के लिए, सभी राज्यों के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक अध्ययन का विषय हो सकता है। हम सब इसके साक्षी हैं कि कैसे एक साल के भीतर भीतर एक स्थान विश्व प्रसिद्ध टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित होता है। वहां देश विदेश से लोग आते हैं। ट्रांसपोर्ट की, ठहरने की, गाइड्स की, इको फ्रेंडली व्यवस्थाएं एक के बाद एक अपने आप बहुत सारी व्यवस्थाएं विकसित होती चली जा रही है। बहुत बड़ी इकोनॉमी डेवलप हो रही है और यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार लोग वहां सुविधाएं पैदा कर रहे हैं। सरकार भी अपनी भूमिका निभा रही है। साथियों, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व नहीं होगा कि पिछले दिनों टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी अहम स्थान दिया है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने कीमती समय से कुछ वक्त निकालकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने तो जाएंगे ही, लेकिन मेरा आग्रह जो है कि हर हिंदुस्तानी जो यात्रा करने के लिए समय निकालता है, वे भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन परिवार के साथ करें। जहां जाए वहां रात को रुके, ये मेरा आग्रह तो बरकरार है ही है।